जी बच्चे, अपन कर रहे स्ट्रक्चर, और जिस तरह अपने देखे कि एक्सरे रेडिएशन जिस तरह अपन किसी क्रिस्टल चो अगर पास करते हैं तो इतों जो भी रेडिएशन रिफ्लैक्ट होंगे ने बच्चे, अगर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इतने आयनाइजेशन बच्चे ज़्यादा हो जाएगी। आयनाइजेशन ज़्यादा होगी तो इतने अपन वैल्यू की होगी ज़्यादा आएगी, ठीक है। और जिस तरीके आप अगर थीटा की वैल्यू बार बार मतलब इसमें ज़्यादा एंगल पर रोटेट कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू इनक्रीज़ करने के नाल अपने को बच्चे डी की वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है ना। हाँ देखो, उन्होंने की किया कि ब्रैग इक्वेशन के अपने बच्चे सोडियम क्लोराइड जो क्रिस्टल है ना, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की वैल्यू ने करके देखा, वो 100 100 100 तुम्हें पता है कि एक्सरे सिर्फ वन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस तरीके ना। अगर ये बच्चे ए एक्स है तो अपने को सिर्फ आ वाला एरिया, ठीक है ना, यही है ना 100 100, ठीक है। तो उन्होंने अपने को एन ए सी एल लिया, अपन इतने फाइंड आउट करने हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मैक्सिमा, ठीक है। मतलब एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3 अपन ने फाइंड आउट करना है। अपने को है 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैमडा। बच्चे तुम्हें पता है कि वेव लेंथ की वैल्यू फिक्स है, तुम्हें पता है कि डी की वैल्यू फिक्स है। अपने को जो भी अपन चीज़ फाइंड आउट करनी है वो सिर्फ थीटा और एन पर ही डिपेंड कर रहे हैं। एन की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है और थीटा की वैल्यू आप इतने निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गया। हुण तुसी देखो, अगर मैं थीटा की वैल्यू इनक्रीज़ कर रही हाँ, देखो ब्रैग्स इक्वेशन के जो एक्सपैरिमेंट किया गया तो उन्होंने की किया कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड मैक्सिमा करने लिए एन की वैल्यू 1 2 3 पुट की, और एंगल उन्होंने की लिया पहला थीटा की वैल्यू 5.90। एंगल इनक्रीज़ करता मतलब उसने जो क्रिस्टल नू रोटेट किया बच्चों इस एंगल पर किया, पहला इस एंगल पर, फिर ज़्यादा वैल्यू नाल इनक्रीज़ मतलब उसने रोटेट करता, उस तो बाद फिर इस एंगल पर ज़्यादा एंगल की वैल्यू इनक्रीज़ करती, ठीक है। और जो क्रिस्टल जिस क्रिस्टल जो मतलब ये जो सी है ना, इस क्रिस्टल जो क्रिस्टल लिया सी बच्चे उन्होंने पैलेडियम लिया, पैलेडियम क्रिस्टल लिया, उससे एक्सरे रेडिएशन फॉल किया और जो भी रिफ्लैक्टेड रेडिएशन आई हैं उन्होंने एंगल इनक्रीज़ कर रहे थे बच्चे, ठीक है। और जो इस वैल्यू में इसकी साइन ऑफ एंगल वैल्यू कटी ना, इस वैल्यू में साइन ऑफ एंगल की वैल्यू कटी, तो पता है बच्चे कि बी एस सी सैकेंड ईयर के मैं तुम्हें साइन का ग्राफ भी देखना सिखाया सी, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि नहीं ये डिग्री मिनट्स होंगे ने, अगर तुम्हें ना पता हो तो मैं दस दिए, मैं एक बार दोबारा फिर तो वीडियो उसकी भी वीडियो बना देंगी, तो तुम मैं तो परसनली पूछ लियो, तो मैं दस्या होया कि साइन का आप ग्राफ कि देखते हैं, ठीक है। तो अपने को बच्चे एंगल है थीटा 5.9 11.85, इस तरीके एंगल में इनक्रीज़ किया, क्रिस्टल के उत्ते फॉल किया, साइन ऑफ एंगल जो इन्नी वैल्यू में फाइंड आउट करके निका मतलब कटिया गया, तो अपने को कुछ ए वाली वैल्यूज है 0.103 0.203 0.3103, जो उन्होंने ओवरऑल रेशो कटी कि वो अपने को 1 2 3 रेशो आ गई। दैट मीनस जो अपने को वैल्यूज आई हैं एंगल में इनक्रीज़ करके, जो अपने को पीक्स आई हैं बच्चे, वो पीक्स देखो, फर्स्ट पीक देखो, ये फर्स्ट मैक्सिमम की वैल्यू है, ठीक है। उस तो बाद सेकंड पीक देखो, जो इन जो 5.9 डिग्री एंगल से बच्चे 5 to 10 के विच एंगल से, तो अपने को पीक इस तरीके आ रही थी, और उस तो बाद इस तरीके पीक होर कट गई, थर्ड होर कट गई। दैट मीनस जो इंटेंसिटी आ रही है, जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है, जिमें जिमें एंकल इनक्रीज़ कर रहे हैं बच्चे, इंटेंसिटी उसकी डिक्रीज़ हो रही है, जो पीक आ रही है वो बहुत लैस इंटेंस आ रही है, ठीक है। और बच्चे किस चीज़ के लिए आ रहे हैं, एन ए सी एल के लिए उन्होंने अपने ग्राफ दिखाया। देखो फेस, फेस मीन उन्होंने दिखाया कि 100 100 एक पर्टिकुलर फेस जो अपने एक साइड पर जो फेस है अपने को, सॉरी दे, देखो एक साइड के ए फेस के बच्चे सिर्फ इस फेस से रेडिएशन दिखाई कि अगर एटम का जो फेस है, अगर ए वाला एटम का फेस आप लिया और उत्थे अपने रेडिएशन एक्सरे रेडिएशन फॉल किया, उस तो बाद आपा क्रिस्टल रोटेट किया, रोटेट करन तो बाद रिफ्लैक्टेड रे का जो एंगल से जिमें जिमें आप बच्चे उसको इनक्रीज़ किया, अपने को पीक्स आई और उस पीक्स की इंटेंसिटी आपको एन इज इक्वल टू 1 2 3 के हिसाब न डिक्रीज़ होंगी मिली, ठीक है। याद रखना है तुसी कि अगर अपने को क्रिस्टल मैं रोटेट कर रही हूँ तो जो आयनाइजेशन चैम्बर है, ठीक है, इसनों भी अपना चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं बच्चे, लेकिन ये डबल अपने कहते हैं ये डबल डबल एंगल पर रोटेट होगा, जिस एंगल पर क्रिस्टल रोटेट होगा इसनों अपना डबल एंगल पर रोटेट करेंगे, समझ आ गया। तो तुम एक कंसैप्ट तो क्लीयर हो गया। हुण तुसी प्लीज़ मेरी गल ध्यान सुनो कि तुसी जो अगर तुम्हें पेपर के एक्सरे डायफ्रैक्शन मतलब ब्रैग्स मैथड लिखे आ गया, तो तुम थोड़ा जिहा बेसिक आइडिया देना कि लोएज तो ही स्टार्ट होया, कि तुम पहले ही दसना कि आप इंटरनल स्ट्रक्चर नू फाइंड आउट करने लिए आप एक्सरे रेडिएशनस दी एक्सरे रेडिएशनस नू यूज़ करते हैं, और एक्सरे रेडिएशनस नू ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके डिमेंशनस बिल्कुल मैच करते होंगे ने, जो एटम्स के विचले डिमेंशनस ने मतलब एटम की इंटरप्लेनर डिस्टेंस उसनों मैच करते हैं, और जो रेडिएशन पास करती हैं क्योंकि डिमेंशनस मैच करते हैं तो ईजीली उस तो रेडिएशन पास आउट कर सकती हैं, पेनट्रेट कर सकती हैं,
ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਓਸੀਲੇਟਿੰਗ ਵੇਵਸ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਸਰੇ ਇੱਕ ਵੇਵ ਹੈ, ਵੇਵ ਆਈ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਇਆ ਨਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਪਲੇਟਸ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਹ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜੋ ਸੀਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਓਸੀਲੇਟ ਕਰਤਾ, ਓਸੀਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਕੈਟਰ ਕਰ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਕੈਟਰ ਕਰ ਗਏ, ਔਰ ਉਸ ਸਕੈਟਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਲੇਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਲੇਨਸ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਐਚ ਕੇ ਐਲ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਰਲਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਐਚ ਕੇ ਐਲ ਪਲੇਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਡੀ ਐਚ ਕੇ ਐਲ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਪਲੇਨਰ ਸਪੇਸਿੰਗ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸੇਮ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਔਰ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸੀਮਾ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਕਸੀਮਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਡਾਇਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨ ਲੈਮਡਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਹੋਈ 2D ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਨ ਲੈਮਡਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਕਸਰੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਹੀ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਫਿਕਸ, ਡੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਲਮੋਸਟ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਥੀਟਾ ਦੇ ਔਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ 1, 2, 3 ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਸਟ ਮੈਕਸੀਮਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਕਸੀਮਾ, ਥਰਡ ਆਰਡਰ ਮੈਕਸੀਮਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਾਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਕਸੀਮਾ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਘੱਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਆ ਉਸਦੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 2D ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿ ਲੈਮਡਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ, ਕਿ ਉਹ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬ੍ਰੈਗਸ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ, ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੱਕਾ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸੀਮਮਸ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰੈਗਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਦੱਸੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਸਰੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ ਉਹ ਪੈਲੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਪੈਲੇਡੀਅਮ ਸਿਰਫ ਐਕਸਰੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਥੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ NaCl ਹੈ, ਔਰ NaCl ਆਪਾਂ 100 ਲਿਆ ਐਕਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੇਸ ਲਿਆ ਉਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਫੇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਆਫ ਥੀਟਾ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ, ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ 1, 2, 3 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਬ੍ਰੈਗਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਗਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2D ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਨ ਲੈਂਬੜਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਰ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਥੀਟਾ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਡੀ ਐਚ ਕੇ ਐਲ ਏ ਬਾਈ ਅੰਡਰੂਟ ਐਚ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਕੇ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਐਲ ਸਕੇਅਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਮੈਨੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਏ ਲਿਖਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਿਊਬ ਦੀ ਜੋ ਐਚ ਦੀ ਲੈਂਥ ਏ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਚ ਕੇ ਐਲ ਪਲੇਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੈਗਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਐਟਮ ਦੇ ਫੇਸ, ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀਕਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਮੈਕਸੀਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਮਿਨੀਮਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀਆਂ 3 ਫੋਰਮਸ ਨੇ, 3 ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ। ਪਰਮਿਟਿਵ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੰਪਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮ
इतने किन्ने आ गए बच्चे, फोर। इतने फोर आ गए नंबर ऑफ एटम जो पर यूनिट सैल ने अपने को बच्चे, वो फोर आ गए। इतने सिंपल के लिए अपने को वन आ गए, और बॉडी सेंटर के लिए की है तुम्हें पता कि कॉर्नरस के ने तो एट इंटू वन बाई एट प्लस बॉडी सेंटर से पे तो वन। इतने किन्ने आ गए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सैल टू। तो अपने को पता कि बस जो हम देखो कि ये फॉर्मूला जो कि तुम प्लस टू के ऑलरेडी कर चुके हो बच्चे, ठीक है। अपन ने अगर फॉर्मूला फाइंड करना जेड इंटू एम बाय रो मल्टीप्लाई ए क्यूब बच्चे, ये अपने को जो फॉर्मूला है, सॉरी तो एन नॉट होंगे बच्चे, एन नॉट ए क्यूब सॉरी डेंसिटी। अगर तुम एटम्स की डेंसिटी मतलब एटम चेक करने कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम किन्ने पे ने, तो आप जेड लेने बच्चे, जेड मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास लेने बच्चे, फिर ए क्यूब एच लेंथ और डेंसिटी सॉरी एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। इसकी वैल्यू तुम्हें पता है कि 6.022 इंटू 10^23 होंगी है। ये वैल्यू बच्चे एज अगर गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जेड की वैल्यू बच्चे सिंपल के लिए आप वन लैंने, फेस सेंटर के लिए आप फोर लैंने, बी सी सी के लिए वैल्यू आप बच्चे टू लैंने, ठीक है। मोलर मास आप फाइंड आउट कर सकते हैं जिसका भी दिता, जिम्मे सोडियम क्लोराइड दिता, तुम्हें पता है कि एन ए 23 होंगे, सी एल 35.5 होंगे, तो अपने को 58.5 आ गया। मतलब इस फॉर्मूले का फायदा की है, इस फॉर्मूले तो आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। 4m जिस तरीके ने एन ए सी एल किया, और एन ए सी एल अपने फेस सेंटर का पता, तो जेड की वैल्यू ने फोर ले ली, रो एन नॉट बच्चे ए वैल्यू तो आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और तुम्हें पता है कि अगर तुम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, वे ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, एच के एल प्लेन तुम्हें दिता होगा जो 100 दिता हुआ एन ए सी एल का, 100 भर सकते हो, ठीक है। इतों तुम इतने 100 आ गया, इतने 100 आ गया, इतने तुम ए की वैल्यू आराम नाल बच्चे कट सकते हो। अगर इतने अपने को एच के एल की वैल्यू सपोज नहीं दी हुई, तो ए की वैल्यू डायरैक्टली आप इस फॉर्मूले तो भी कट सकते एड इंटू एम बाई एन इंटू एन नॉट ए क्यूब। एम तो मोलर मास पता लग जाएगा, जिस भी क्रिस्टल की गल की गई तो ऑलरेडी गिवन होगा कि बी सी है, एफ सी सी है, जो सिंपल है, ठीक है। एन नॉट की वैल्यू तुम्हें हमेशा फिक्स पता है कि 6.022 इंटू 10^23 होंगी है, और डेंसिटी की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो और डायरैक्टली उत्थे पुट कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने यह किया कि जो ए की वैल्यू इतों फाइंड आउट की गई, तो बिल्कुल ब्रैग्स मैथड तो जो आप फाइंड आउट की एग्जैक्ट उ वैल्यू आ रही थी। तो आप भी कह सकते हैं कि अगर अपने ए वाला मैथड जो आप ऑलरेडी एन ए सी एल क्रिस्टल के लिए जो पहला वाला मैथड, अगर आप क्रिस्टल ब्रैग्स इक्वेशन कट दिए, ब्रैग्स एक्सरे डायफ्रैक्शन नाल करिए, सिंपल ए फॉर्मूला यूज करिए, इतों अगर ए की वैल्यू जो निकलती है उही वैल्यू बच्चे ए की वैल्यू एग्जैक्ट इतों निकल रही, तो आप भी कह सकते कि ब्रैग्स जो लॉ है बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि जो ब्रैग्स की इक्वेशन जो ब्रैग्स की वैल्यूज आ रही ने सिमिलर किए ने जो अपने ए वाला एक्सपैरीमेंट किया, इस तो जो ए की एज लेंथ की वैल्यू आ रही सेम आ रही है बच्चे। ये चीज़ तुम्हें क्लीयर होगी। हूँ अपने इस दिन न्यूमेरिकल्स करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बच्चे, अपन दिता है कि यूजिंग एक्स रेज ऑफ वेव लेंथ, अपन वेव लेंथ की नीति है बच्चे 154.1, ठीक है। ये नीति पिकोमीटर है जिसमें आप अंगस्ट्रॉम च भी ला सकते, आप देखते हैं बाद विच। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्लेंसिंग एंगल, मतलब जिस एंगल ने रोटेट करना थीटा, द रिफ्लैक्शन फ्रॉम सिल्वर क्रिस्टल सॉरी बच्चे सिल्वर का क्रिस्टल लिया जिसके उत्ते एक्स रेज में फॉल किया गया, जिसकी वेवलेंथ अपने को इन्नी सी, ठीक है। जो बच्चे वेवलेंथ अपने को नीति हुई है इन्नी एक्स रेज में जिसकी वेवलेंथ इन्नी है बच्चे, उसनों की किया अपना किसी सिल्वर क्रिस्टल के उत्ते फॉल कराया, उस तो बाद रिफ्लैक्ट हुई जो रेडिएशन उस इस एंगल के बच्चे रिफ्लैक्ट हुई 22.20 डिग्री, ठीक है। अपने देखने कि जो प्लेन्स ऑफ सिल्वर के एटम जिस क्रिस्टल्स अपने पास करवाए उन्होंने विचली जो डिस्टेंस है, जो स्पेसिंग है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, वो बच्चे किन्नी है, दैट गिव राइज टू द अबव रिफ्लैक्शन, जो कि इस जो रिफ्लैक्शन दिखा रही है। तुम्हें पता है कि साइन ऑफ एंगल, ये बहुत अच्छी गल है कि तुम्हें फाइंड आउट करने की जरूरत है, तुम्हें एग्जैक्ट उस वैल्यू उन्होंने गिवन दी हुई है, ठीक है। अगर अपन उन्होंने ऑर्डर नहीं दिता, तो एन की वैल्यू बच्चे वन ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो तुम्हें पता फॉर्मूला की है कि 2d sin θ इज इक्वल टू एन लैमड़ा, तो फाइंड आउट करना बच्चे डी है, डी एच के एल लिखने की जरूरत नहीं, एन लैमड़ा बाय 2 sin θ, ओके जी। एन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 1, वेवलेंथ की वैल्यू 154.1, इनू तुसी इत्थे चेंज कर सकते हो, नहीं तो पिकोमीटर ही रख लो, आप देखते हैं कि इन्होंने यूनिट्स किस हिसाब से ले हैं। उस समय 2 इत्थे साइन थीटा की वैल्यू तुम्हें किन्नी गिवन है 0.3778,
ठीक बच्चे, देखो इन्होंने आंसर पिकोमीटर च ही लिखे क्योंकि अपन बहुत लैस डिमेंशन ही चाहिए होंगे ने, इस करके अपन ने इन्होंने इसमें चेंज नहीं किया हो तो अपन भी चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि वेवलैंथ और डी के डिमेंशन दोनों के सेम ही होंगे ने। ठीक है, अगर अपन डी दी होंगी वेवलैंथ दी दोनों के डिमेंशन डिफरेंट होंगे तो अपन इक्वल कर लेंगे। हम ऑलरेडी वेवलैंथ की वैल्यू अपने पिकोमीटर दी है तो डी की वैल्यू भी पिकोमीटर से आप कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने इसमें तुम आराम सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज ना इस तरीके में तुम्हें पता है कि 154 वन टेन नीचे आ गया इंटू टू ये कि आ गया 3778 तो पॉइंट कट के उपर आ गया 1 2 3 4 एक कैंसल आउट हो गया। ठीक है बच्चे, इसनों जा तो इस तरीके ऐड कर लो, इनू सॉल्व कर लो जिन्ना भी आ गया, जी करो इसमें 10^3 की फॉर्म के लिख लो सॉल्व, तुम आइडिया के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, उस तो बाद अपने को नैक्सट की है कि रिफ्लैक्शन फ्रॉम वन वन प्लेन। हूँ तुम देखो यदि इस प्लेन की तुम डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, बहुत वधिया मतलब बहुत अच्छा इंप्रैशन पेगा। वन वन प्लेन ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, क्रिस्टल के बच्चे क्यूबिक। ठीक है, तुम्हें नाम तो ए बी सी की वैल्यू भी वन वन है। ठीक है, ये तो एच के एल है। वॉज ऑबजर्व एट एन द ग्लेंसिंग एंगल ऑफ एना बच्चे, इस एंगल से अपने को रिफ्लैक्शन मिल रही है अपन किसी एटम तो एटम उन्हें दस कि किस क्रिस्टल नहीं दसे भी कोड़ा क्रिस्टल है, बस ये दसता कि जो क्रिस्टल है उसका प्लेन की वैल्यू इन्नी है जिस तो हम देखो एच के एल तो डी कट सकते हो अगर गिवन नहीं है, अगर डी गिवन है फिर ए फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, और ए क्यूबिक है, क्यूबिक के दिल तो पता है कि उसकी वैल्यू कितनी होंगी अपने को वन, पर अगर नहीं मैनशन किए अगर क्या हो कि फाइंड आउट करनी है फिर अपनी ए की वैल्यू फाइंड आउट भी करनी पड़ेगी, जरूरी नहीं है कि वन ही लानी है। बट और वैन एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ बच्चे 154 पिकोमीटर, देखो इन्नी वेवलेंथ किसी क्यूबिक क्रिस्टल के जो कि इस प्लेन के पाया उस प्लेन के उत्ते बच्चे अपने रेडिएशनस नू फॉल किया जिस तो अगर क्रिस्टल जो फॉल किया इस पर्टिकुलर एंगल से रिफ्लैक्शन हुई है बच्चे, वट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल, तुम बच्चे लेंथ फाइंड आउट करनी है उसकी। ठीक है, तो तुम देखो एट वट एंगल द रिफ्लैक्शन विल टेक प्लेस, इतों तक एक क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, ये नैक्सट क्वेश्चन आप बाद देखते हैं बच्चे। ठीक है, तो साइन ऑफ वैल्यू ये देखो 11.2 डिग्री, इतों की वैल्यू दी है 0.1944। क्लीयर, तो तुम देखो इतने अगेन लिखोगे 2D साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चे एन लैमडा। ठीक है, तुम्हें पता है कि इतने तुम्हें करना है डी की वैल्यू करनी है 1 1 पहले लिख लो एन लैमडा बाय 2 sin थीटा बच्चे, एन की वैल्यू तुम्हें पता अगर नहीं गिवन तो 1 लिखोगे, लैमडा की वैल्यू तुम 154 दी हुई है, साइन थीटा की वैल्यू भी तुम्हें गिवन है, तो डी की वैल्यू एग्जैक्टली फाइंड आउट कर ली कि इन्ने पिकोमीटर आ गए। क्लीयर हो गया, देखो वेवलैंथ की वैल्यू भी पिकोमीटर है, डी की वैल्यू भी पिकोमीटर के। ठीक है, हूँ आप इतों बच्चे ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं क्योंकि अपने क्वेश्चन उन्होंने लैंथ ऑफ द साइड ही किया। ठीक है, लैंथ ऑफ द साइड किया तो ए ओवर इन टू एच स्केयर प्लस के स्केयर प्लस एल स्केयर, ए इत 1 2 3 तो है तो अपने को वैल्यू होगी इन्नी पिकोमीटर। देखो डी की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी, ए की वैल्यू भी बच्चे अपने को पिकोमीटर सब की वैल्यू इस डिमेंशन के आ गई। हूँ तुम अपना नैक्सट क्वेश्चन देखो, वो कहते हैं एट वट एंगल द रिफ्लैक्शन विल टेक प्लेस फ्रॉम 1 2 3 प्लेन। हूँ अपने को एच के एल की वैल्यू बच्चे चेंज होगी। ठीक है, हम देखो क्यूबिक है ना, क्यूबिक के लिए ए वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, क्यूबिक है तो क्यूबिक ही रहेगा, उसकी एच की लेंथ तो ए ही रहेगी, तो ये तो अपने को फिक्स है। क्लीयर, और अगर आप कही कि डिस्टेंस अगर अपने को प्लेन सेम है, अगर अपने को क्रिस्टल सेम है तो उन्होंने पिछली डिस्टेंस भी डिस्टेंस चेंज हो सकती है, पर प्लेन क्योंकि 1 2 3 इस तरीके लगाएंगे तो डिस्टेंस चेंज हो सकती है, सॉरी एज सेम है, हाँ एज लेंथ सेम है क्योंकि क्यूबिक ही क्रिस्टल है, तो अपने की फाइंड आउट की करना है एट वट एंगल, अपन एंगल दसना बच्चे किस एंगल के रिफ्लैक्शन होती है। तो देखो उन्होंने पहला देखा कि डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली कि 1 2 3 प्लेन है, उस 1 2 3 की वैल्यू एच के एल की वैल्यू पुट की, इतों अपने को डी की वैल्यू बच्चे फाइंड आउट होगी, फिर जिस तुम एक करना है ब्रैग इक्वेशन अप्लाई करनी और इतों तुम वेवलेंथ की वैल्यू ईजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देखो अगर तुहाडे कोल सपोज साइन थीटा इतने वैल्यू तुम इतने भी छड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम फाइंड आउट करने तुम फाइंड आउट भी कर सकते हो। ठीक है, इतने भी छड़ सकते हो, अगर फाइंड आउट भी कर सकते हो। ठीक है, उस तो बाद अपने को नैक्सट न्यूमेरिकल है जो एट वट एंगल विल एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ इन्ने मीटर बच्चे कि अपने को अंगस्ट्रॉम दिता हुआ है ना, तुम्हें क्लीयर पता लग रहा है कि अपने को वेवलेंथ है। ठीक है, मीटर च है, इन्नी मीटर लैन की जरूरत नहीं है, चलो आप देखते हैं कैंसल आउट हो जाए ना, फाइंड आउट करना है एट वट एंगल्स थीटा तुम फाइंड आउट करना है विल एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ इन्नी मीटर अंडरगो फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर रिफ्लैक्शन बाय प्लेन सेपरेटेड बाय बच्चे दो प्लेन्स ने जो डी डिस्टेंस इन्नी डिस्टेंस, देखो दोनों की यूनिट स्पेस सेम, डी और वेवलेंथ गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड मतलब एन की वैल्यू भी तुम्हें गिवन है। ठीक है, तुम एंगल कड़ना, तुम्हें पता है कि 2D sin थीटा
डी भी गिवन है तुहाडे कोल बच्चे, और तुहानू एन भी गिवन है, लैमडा भी गिवन है, तुसी थीटा फाइंड आउट करना है। देखो 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैमडा, तुहाडे कोल डी दी वैल्यू बच्चे गिवन है कि इन्नी सैपरेशन है, तुहाडे कोल लैमडा दी वैल्यू गिवन है कि इन्नी वेवलेंथ है, तुहाडे कोल एन दी वैल्यू गिवन है कि फर्स्ट ऑर्डर एंड सैकंड, तुसी सिर्फ sin थीटा दी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए वाला तुहाडे कोल फॉर्मूला आ गया, तुसी एन इज इक्वल टू 1 sin थीटा दी वैल्यू तुहाडे कोल इन्नी आ गई, एन इज इक्वल टू 2 sin थीटा दी वैल्यू तुहाडे कोल इन्नी आ गई। ठीक है बच्चे, ये न्यूमेरिकल तुसी ये खुद ट्राई करके देखियो, अगर ना हुई तो तुसी मैनू व्हाट्सएप पे मैं कर दियो, मैं तुहानू दस दांगी। बच्चे ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसमें ध्यान ना कर लियो। ब्रैग एजुकेशन ये स्पैशली याद रखियो, क्योंकि अपन इंटरनल स्ट्रक्चर जो कितनी है उसनों आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, हूँ जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, जो अपना टॉपिक छुट गया से ए वाला टॉपिक, बच्चे इस तो है कि जो क्यूबिक लाटिस है, याद रखियो कि पूरे चैप्टर के क्यूबिक लाटिस की ही गल कर रहे हैं, सिर्फ जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग से उसकी जो फाइंड आउट की, तो उत्थे मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज़ मैनशन की सी कि तुम उत्ते ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, ऑर्थोगोनल जो होंगे ने जिन्हें भी ऑर्थोरोम्बिक टैट्रागोनल क्यूबिक कोई भी ले सकते हो, क्योंकि उत्ते एंगल सारे 90 से, ठीक है, बस बाकी अदरवाइज आप सारे क्यूबिक की ही गल कर रहे हैं। तो तुम इतने अगेन देख सकते हो कि क्यूबिक अपने को पता तीन तरह के होंगे ने, सिंपल जो प्रमिटिव होंगे, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, जो कि अपने को नॉन प्रमिटिव होंगे ने। ठीक है, तो उन्होंने तीन टाइप्स के बच्चे लै लिए, उन्होंने सिंपल लै लिया, सिंपल मतलब सिंपल लै लिया सिर्फ कॉर्नरस के नहीं। ठीक है, तो देखो एक एक्सिस जब वन कोआर्डीनेट वाला 100 या दो कोआर्डीनेट्स वाला 110 ये तुम लास्ट वीडियो तुम देख चुके हो। ठीक है, फेस के उन्होंने दसिया कि अगर अंदर है तो उन्होंने एक डिफरेंट वैल्यू लै ली कि 200 वन कोआर्डीनेट है, सैकंड कोआर्डीनेट है, थर्ड कोआर्डीनेट है, और बॉडी सेंटर लै लिया कि बॉडी के बीच पे। ठीक है, क्लीयर हो गया। हूँ अपने फाइंड आउट की करना है बच्चे, वो बोल रहे हैं कि अपन इंटरप्लेनर डिस्टेंस, इंटरप्लेनर डिस्टेंस ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ क्यूबिक लाटिस। ठीक है, अपने दसना कि जो तीन टाइप्स के क्यूब्स ने, चाहे वो सिंपल हैं, चाहे वो बॉडी सेंटर हैं, चाहे वो फेस सेंटर, उन्होंने पिछली डिस्टेंस अपने दसनी है। ठीक है, तुम्हें पता है कि एच के एल ए बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है। ठीक है, अपने सिर्फ डिस्टेंस की रेशो दसनी है। आ तुम्हें पता है कि जिम्मे उन्होंने बोलता, तुम्हें बोलता उन्होंने कि तुम 100 लेना, तुम एच के एल की वैल्यू पुट कर दोगे, इस तरीके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज उत्थे पुट कर सकते हो। ठीक है, ये तो क्लीयर है। हूँ अपने डी की रेशो करनी है, अगर तुम मैं एक की एग्जाम्पल दे दी हूँ, तुम्हें मैं दस दिनी कि सिंपल क्यूबिक, क्योंकि अपन नॉर्मली इन्ना चाहिए नहीं है, पर तुम मैं सिंपल क्यूबिक में एक्सप्लेन कर दिनी कि अपने को आ वाली रेशो बच्चे किमें आई। ठीक है, बाकी भी ईजी ने, पर आप एक कर लें जैसे तुम समझा दे, नॉर्मली तुम पेपर से इन्ना पूरा डिटेल नहीं आने वाला। ठीक है, तो तुम इतने देख सकते हो बच्चे, इतने अपने ये स्टेज दसना कि प्लेन्स के विचली जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है कि तुम देखो कि अपने को एक सिंपल दो यूनिट चलने का बच्चे, एक अपने को अपने ये स्टेज देखना कि एक प्लेन, एक आ फेस एक प्लेन है, एक आ प्लेन, दोनों प्लेन्स के अपने ये स्टेज डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और उसकी रेशो कटनी है। अपने को पता है कि 100 है, 10 मतलब एक्स एक्सिस पे, नॉर्मली सारे स्ट्रक्चर्स मैं करवा चुकी हूँ, इसलिए मैंने दोबारा ड्रॉ नहीं किए, तुम्हें बुक तो ही समझा दें। हाँ देखो जिम्मे 100 सिर्फ आवला एरिया, इधर आवला एरिया। ठीक है, इतने अगर होर ड्रा करा वह एरिया। ठीक है, तो 100 तो ए वाले आवले प्लेन तो आवले प्लेन के बेचारे एक बच्चे कि डिस्टेंस तुम्हें साफ पता लग रहा है कि ए एज लगता है। ठीक है, तो अपने को इतने कि आ गया ए, तो इतने अपने को जो रेशो आई है 100 डिस्टेंस, ये अपने को कि आई है ए। ठीक है, हूँ तुम नैक्सट देखो बच्चे, इतने अपने को चीज़ दी हुई है, इसमें एक ड्रॉप करता, तो तुम देखो इतने बच्चे अपने को दिता हो कि अपने को 110 प्लेन के बीच पे है, अपने को बच्चे ये 110 प्लेन के बीच पे है। अगर तुम तो मैं एक क्रिस्टल तुम ड्रॉ करो तो ऑटोमैटिकली समझ जाओगे किदा, क्योंकि उसमें दोबारा दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर अपने अगर इन एक्स और जैड सपोज ए वाले प्लेन च पिया, इतने वन है, सॉरी एक्स और वाई लिखे होना, तो अपन इन वाई मान लें, इसनों वाई ला लें, जिसनों वाई ला लें, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई जिम्मे मर्जी ला लो। तो अपने को बच्चे एक प्लेन एक इतने पे एक इतने, तो इस तरीके पे हैं, इन्हें मैं ऐसे दिखाता हाँ जी करोगे। ठीक है, इस तरीके ना लै सकते हो। ठीक है, और मतलब आ वाला इतों कवर कर लियो ना, आ चीज़ आए आई चीज़ ये वाला एरिया ही लिया हुआ उन्होंने। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके उन्होंने 1 इस तरीके दो जोड़े हुए हैं, और अपने बच्चे दोनों प्लेन्स के विचली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि दोनों प्लेन्स के डिस्टेंस कितनी है। मतलब अपने को दसना कि आ वाला प्लेन और आ वाला प्लेन है जो उन्होंने विचली डिस्टेंस बच्चे कितनी है। ठीक है, तो तुहानू देख के पता लग रहा है। और बच्चे अपने को ले जो ये चीज़ है 1, तो अपने ए वाला प्लेन देखना है, मतलब इतों लैके इस प्लेन तो लैके इस प्लेन विचली डिस्टेंस देखनी है, है ना, इस तरीके ना आप कुछ देखनी है प्लेन की डिस्टेंस। तो तुम्हें पता है कि अगर आप सिर्फ इन्नी डिस्टेंस लीए इस चीज़ में, इस तरीके उन्होंने एक ट्रैंगल बना ली बच्चे, इस तरीके। ठीक
ठीक है, तुम्हें पता पैरेलल प्लेन्स में तो दोनों की डिस्टेंस की होगी, सेम होएगी, तो अपन डिस्टेंस ही देखनी है बच्चे। ए वाली डिस्टेंस अगर अपन, ए अपन पता है कि एक एज की लेंथ है, और इस चीज़ ए भी तुम्हें पता है कि किन्नी होगी, ए भी क्या तुम्हारे को किन्नी आएगी बच्चे ए, ठीक है। और बच्चे एक स्केयर बन गया है, स्केयर बन गया तो एक डायगनल है जो कि उसको चंगी तरह कट करे, तो आप इतने की कर सकते हैं। अगर डायगनल है तो पता है कि अगर सपोज ए है तो अगर सपोज पी है तो ओ पी इज इक्वल टू पी ए आपस से सेम होंगे, ठीक है। अगर इस प्लेन आ भी एक प्लेन अगर तुम्हें पता है ना, एक प्लेन तो लैके इस प्लेन तक, इस प्लेन तो लैके इस प्लेन तक की डिस्टेंस सेम होएगी, ओ पी इज इक्वल टू पी ए होएगा, ठीक है ना। अगर मैं इस चीज़ की पूरी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं हाफ कर देंगे तो अगर लिख के ना कि इस तो लैके इस तक दे प्लेन, इतों लैके इतने तक की डिस्टेंस आप ही फाइंड आउट करनी है। तो तुम्हें पता है कि इतने की आप करा इधर ही सपोज अगर मैं इसनों बी ला लें तो ले लें सी ला लें, तो अगर मैं ओ बी सी लवा बच्चे ओ बी सी, तुम देख के ही क्लीयर हो रहा। पहली गल तो यह देखो कि पैरलर प्लेन्स ने तो ओ पी इज इक्वल टू अपने को पी सी आपस के इक्वल होगी, ओ पी एक आ प्लेन और एक आ वाला प्लेन है ना, ठीक क्लीयर हो गया। आ प्लेन और आ प्लेन ये आपस के बच्चे कि नहीं इक्वल, तो जिन्नी डिस्टेंस आएगी उन्नी डिस्टेंस आ होएगी, ठीक है। तो अगर मैं ए ट्रायंगल लेनी, ए आपको पता है इतने तक ए की वैल्यू, ए वैल्यू है और इतने तक अपने को ए वैल्यू, ठीक है। तो अगर तुम ओ सी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कि आ जाएगी बच्चे ओ बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर है ना, तो तुम कि आ गए ए स्केयर प्लस ए स्केयर ओ सी एज इट इज़ टू ए स्केयर स्केयर है ओ सी कि आ गया तो अंडरूट एक अंडरूट टू ए, ठीक है। ये ओ सी की वैल्यू आ गई। हूँ अपन पता है कि अगर अपने पूरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ओ सी की वैल्यू है ना, तो ओ सी की वैल्यू पूरी फाइंड आउट करा तो कि आजगी ओ पी बाय टू, चाहे तुम आ ले लो पी सी बाय टू ला लो, और ओ पी की वैल्यू अपने को कि आ गई, ठीक है। एक मिनट सॉरी सॉरी, अगर तुम सॉरी ओ पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, गलत हो गया। अगर तुम ओ पी की वैल्यू ओ पी की बच्चे या पी सी की कर ली है, ये वैल्यू फाइंड करनी तो यह सारे का हाफ हो गया ना, तो बच्चे ओ पी इज इक्वल टू की आ गया ओ सी बाय टू, ओ सी कि आ गया इंटू टू ए बाय टू। मैं दोनों उपर नीचे इंटू टू मल्टीप्लाई करता, तुम्हें पता है कि इंटू टू कला टू रह गया, इतने कि आ गया टू अंडरू टू, तो कैंसल आउट कि हो गया ए बाय अंडरू टू, ठीक है। अंडरू टू की वैल्यू होंगी 1.414, तो 1 upon इसनों सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो बच्चे इतने अपने को जो दी है D110 की वैल्यू ए बाय अंडरू टू दी है, क्लीयर हो गया। ये अपने को आ गया जो आप दो प्लेन्स टू कोऑर्डिनेट्स के लिया बच्चे, उस तो बाद अगर आप थ्री कोऑर्डिनेट्स के लै रहे हैं, मतलब अपने को वैल्यू कि है 1, अपने हर एक कोऑर्डिनेट को कंसीडर किया, यह भी कोऑर्डिनेट को कंसीडर किया, यह भी देखो हर एक कोऑर्डिनेट, एक ए कोऑर्डिनेट है, एक एक्स कोऑर्डिनेट है, एक किस तरह लंबे लोट जोड़ा भी कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट है, एक किस तरीके टेढ़े लोट कोऑर्डिनेट है, भी हर एक कोऑर्डिनेट यूज़ कर, तीन कोऑर्डिनेट यूज़ कर लिए 1, 1, 1, ठीक है। और इस कोऑर्डिनेट में अगर यूज़ करें तो की करा, हाँ जी बच्चे ये अपने करना कि तुम्हें पता है कि आप आ वाले एक प्लेन अपने को बच्चे आए, एक प्लेन अपने को आए, देखो ये तीनों प्लेन्स बच्चे आपस के ने अपने को पैरलर ने, है ना। और आप तिना के विचली डिस्टेंस ही जस्ट फाइंड आउट करनी है, यही चीज़ा ना डिफाइंड करनी है। तो अगर आप इतों शुरू करिए डी ए बी जिमें भी तुम नाम ला लो, तो जस्ट समझाने के लिए सी ला लो, ठीक है, जो भी है। तो अपने को जो ओ तुम्हें पता है कि प्लेन्स ने तो सब की डिस्टेंस सेम होगी, अगर मैं इतने ओ ला ला तो बच्चे ओ डी की डिस्टेंस इतने ला लो सपोज ई ला लो, चलो तो जो ओ डी है इज इक्वल टू ओ ई होएगा इज इक्वल टू ई सी होएगा, समझ गए ना। जो ओ डी होएगा इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू बच्चे ई सी, ये आपस के की होगी बच्चे बिल्कुल इक्वल, ठीक है। और अगर इक्वल अगर आप इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो अपने बच्चे सारी चीज़ ला ली पहला इस तरीके, ठीक है, सारी ला ली ना डी सी, और इधरों अपने की ला लिया बच्चे इस तरीके, आप इस तरीके इस ट्रैंगल ला लें। पहला बच्चे आप ए वाली ट्रैंगल ला लें इस तरीके, आ ट्रैंगल सिर्फ इन्नी ट्रैंगल, समझ रहे हो। तुम्हें पता है कि ए वाली डिस्टेंस की है बच्चे ए, ए वाली डिस्टेंस की है ए, ए यू सॉल्व करके ए कि आएगी बच्चे अंडरूट टू ए, क्लीयर हो गया। पहला बच्चे अपने सिर्फ आ वाली ट्रैंगल ली, इतने कि आ गया ए आ गया, इस साइड तुम्हें पता है कि एज लेंथ कि है बच्चे ए, तो आपने को ट्रैंगल लेके आ गया ए प्लस ए का स्केयर प्लस ए का स्केयर, ये कि आ गया अंडरूट टू ए, क्लीयर हो गया। उस तो बाद बच्चे अपने सिर्फ आ ट्रैंगल ली इन्नी, ठीक है, मतलब इसमें रब कर दो, ये सिर्फ बच्चे मैंने डायग्राम की सी दोबारा ना बनानी पवे इस करके मेरे दस अदरवाइज समझ गया उसने पहला बनाई हुई है। तो अपने को सिर्फ ए ट्रैंगल ली, तुम्हें पता ए अंडरू टू ए इतों लैके एज लेंथ इतों तक एज की लेंथ कि होंगी है बच्चे ए होंगी है, ठीक है। तो इतों तुम की फाइंड आउट कर सकते हो, तुम्हें इतों पता है कि अपने को अगर ए किसी डी सी और बच्चे का नाम लै लो सपोज पी, कुछ भी लिख लो, यदा सपोज पी है डी सी पी, ठीक है। तो देखो डी सी का
स्केयर इज इक्वल टू डी सी, बच्चा डी सी सॉरी डी सी द स्केयर, डी सी द स्केयर इज इक्वल टू डी पी स्केयर प्लस पी सी द स्केयर, ठीक है। तो बच्चे जो डी पी का स्केयर है वो किन्ना आ गया अंडर रूट ए का स्केयर, पी सी तुम्हें पता लग गया ए का स्केयर ही किन्ना आ गया अपने को टू ए स्केयर प्लस ए स्केयर किन्ना आ गया बच्चे थ्री ए स्केयर। तो डी सी किन्ना आ गया बच्चे अपने को डी सी किन्ना आ गया तुम्हारे को अंडर रूट थ्री ए, ठीक है जी। तो अपने को बच्चे सारी लेंथ किन्नी आएगी डी सी की अंडर रूट थ्री ए आ गई, बट तुम्हें पता है कि ए डिस्टेंस जिन्नी है उन्नी ए होएगी बच्चे उन्नी होगी आपस के इक्वल होनी है। जिमें कि इतने अपने को दो प्लेनस से बच्चे दो प्लेनस आ भी एक प्लेन है ए वाली डिस्टेंस ए डिस्टेंस बिल्कुल सेम होएगी ना, सिमिलरली आ सारे पैरल हैं तो डिस्टेंस सेम होएगी। अगर सेम होएगी तो मैं कि लिख सकती हूँ अगर मैंने कुछ भी करना चाहे मैं डी ओ करना चाहे मैं ओ ई करना चाहे ओ सी ई सी करना तो तीन पार्ट्स डिवाइड हो गया ना। तो मैं इतने की लिख दूंगी अगर सपोज मैंने ओ ई मैं नहीं याद एग्जैक्टली की लिखा हाँ ओ ई करना है तो मैं डी सी बाय थ्री कर दाँगी है ना तीन पार्ट्स, तो अंडर रूट थ्री ए बाय थ्री, ठीक है। अगेन अंडर रूट थ्री ए बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री ये किन्ना आ गया बच्चे थ्री ए बाय थ्री अंडर रूट थ्री कैंसल आउट करके बच्चे किन्ना आ गया ए बाय अंडर रूट थ्री, ठीक है। तो इतने अपने को आ गया ए बाय अंडर रूट थ्री और अंडर थ्री की गल तुम्हें पता है कि 1.732 होंगी है। हम देखो इसकी वैल्यू जो मैं तुम्हें एक सिंपल क्यूब की दसी कि 100 110 और 110 के अपने को वैल्यूज आई हैं डी की वैल्यू इतने दो प्लेनस डिस्टेंस ए हैगी इतने बच्चे अपने को दो प्लेनस से तो अपन तो एक प्लेन की ही वैल्यू लैनी कि दो प्लेनस की वैल्यू आपस क्योंकि सेम होगी ना डिस्टेंस तो वैल्यू अपने को ए बाय अंडर टू आ गई तो तीन प्लेनस से तो तीन प्लेनस भी आप डिस्टेंस चाहे इधरों कर लो चाहे इधरों चाहे इधरों कितों भी कर लो क्योंकि इतने भी एक सेम ही प्लेन बनेगा, ठीक है। तो इतों अपने को ए बाय अंडर रूट थ्री जो इसमें सॉल्व किया बच्चे सिंपल क्यूबिकली रेशो ली ना ए रेशो ए अंडर रूट थ्री अंडर थ्री तो अपने को वैल्यू होगी 1/0.707 1.507 बच्चे अपने को रेशो आ गई। सिमिलरली उन्होंने फेस सेंटर दिल्ली कटे अपने को 200 220 1 1 1 तो अपने को वैल्यू आ गई 1/0.707 1 1.154। सिमिलरली बॉडी सेंटर दिल्ली बच्चे अपने को वैल्यू आ गई क्लीयर होगी। इस तरीके बच्चे अपने को सिंपल प्लेन दिखाता सेम तुम्हें पता है कि इन्हें पिछली डिस्टेंस कितनी आएगी। हम देखो इतने डिस्टेंस एवं क्यों है कि इतने पूरी एक फुल फुल की अपने को एक यूनिट सेल है तो यह हाफ हो गया क्योंकि प्लेन सेंटर के ए बाय टू हो गया, ठीक है। इस तरीके अपन होर डिवाइड करता बाकी सारी वैल्यू सेम है क्योंकि सेंटर के ए बाय टू बाय अंडर रूट टू करता इतने अपने को सेम पहले ही इदी तरह ही लिया है तो ए बाय अंडर रूट थ्री करता, ठीक है। इस तरीके तुहाडे कोल सारिया वैल्यूज आ गई। ओके बच्चे तो हूँ अपने को इस तो बाद किया कि तुहाडे कोल जो एन ए सी एल के सी एल है इसकी सारे की वैल्यूज दी हुई है कि तुम 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैमडा लिया बच्चे एन लैमडा इज इक्वल टू तो की है 2 sin थीटा सेम तुम वैल्यू पुट की sin की वैल्यूज पुट की अपने को बच्चे आ रेशो आ गई अपने पहला भी की सी रेशो आ गई और ए रेशो देखो एग्जैक्टली सेम कि मैच कर रही है इस रेशो ना फेस सेंटर के ऑलमोस्ट बच्चे ये मैच कर रही है यदा मतलब की हो गया यद मतलब ये की है अपने को फेस सेंटर क्यूब ही है, ठीक है। तो अपने को एक जो न्यूमेरिकल दिता हुआ सेम कि फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लैक्शन अपन आ दी हुई ने और ये अपने को एंगल दिते हुए हैं अपने ये दसने कि किस क्रिस्टल वो बिलोंग कर रहे हैं कि फेस सेंटर जो भी किस डिस्टेंस एन लैमडा बाय 2 sin थीटा पुट किया बच्चे थीटा की वैल्यूज अपन अलग अलग पुट की जो अपने रेशो देखी तो एग्जैक्टली बच्चे फेस सेंटर के करीब आ रही थी दैट मीनस जितों अपन क्लीयर हो गया कि यह फेस सेंटर क्यूब है मतलब आप इस सारे वैल्यूज तो जो अपने को रेशो दी अगर इस रेशो के अकॉर्डिंग आदि आप दस सकते हैं कि फेस सेंटर है सिंपल क्यूबिक है सिंपल है जो अपने को बॉडी सेंटर है इतने भी अपने को एन ए सी एल देखो आप नॉर्मली हमेशा एन ए सी एल ही लेता हर जगह पर इतने अपने को साइन की वैल्यूज पहली दूजी तीजी सेम पहले वाली ही वैल्यूज से और अपन इसमें सॉल्व करके देखो लैमडा सेम है टू इस कुछ कोई फर्क नहीं पैंता साइन की वैल्यूज पुट करके अपने को वाली वैल्यूज आई हैं और इन्होंने सारिया वैल्यूज़ में जो आप सिंपल रेशो कन्वर्ट किया तो अपने को वैल्यू ऑलमोस्ट इस रेंज से आ रही थी तो वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट ने बच्चे आ चीज़ ही इंपॉर्टेंट जिस